गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत ज्यादा अच्छे होंगे और अपने अपनी लाइफ में अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइस एंजॉय तो आप कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, लेकिन आजकल का क्या हो गया, जो हमारा लाइफस्टाइल है वो इतना ज्यादा बिजी हो गया कि ना हम अपने खाने पे अच्छे से ध्यान दे पाते हैं, यहाँ तक कि हम पानी भी प्रॉपर टाइम पे नहीं पी पाते हैं, जिससे क्या होता है जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो गाइस आज इस वीडियो में इसके बारे में बात करने वाले हैं कि जो हमारा स्टमक होता है हम ऐसी ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं और उन गलतियों को हमें नहीं दोहराना चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम करे, अच्छे से वर्क करे। सो गाइस अगर आप इस सब चीजों को जानना चाहते हो तो आपको इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना पड़ेगा। अब हम बात करने वाले हैं उन गलतियों के बारे में जो हम जाने अनजाने में करते हैं। कई लोगों को पता होता है फिर भी सोचते हैं कि चलो आज कर लिया नेक्स्ट टाइम से अवॉइड करेंगे, लेकिन फिर भी वो कर ही देते हैं। तो हम उन गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं और ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी आपका कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा, आपको वो गलतियां नहीं दोहरानी है बिल्कुल भी। तो गाइज अब तैयार हो जाइए, अब गलतियों के बारे में बात करने वाली हूँ मैं। तो सबसे पहले गलती नंबर वन आती है, वो आती है कि आप जब भी फूड को खाते हो तो अपने दांतों से आप प्रॉपर नहीं चबाते हो। ये बहुत लोगों के साथ होगा और बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा, वो उनका दिमाग में ये चल रहा होगा कि हम फूड को नहीं चबाते हैं, चबाते तो हैं लेकिन आप उतना नहीं चबाते जितना आपको चबाना चाहिए। बिकॉज इसलिए नहीं चबा पाते क्योंकि मैक्सिमम घरों में मैंने ये देखा जब भी वो खाना खाने बैठते हैं या तो उनका टीवी ऑन होगा या फिर वो फोन में कोई वीडियो देख रहे होंगे। गाइस एक्चुअली हमारा जो माइंड है ऐसे फंक्शन हुआ है कि हम एक टाइम पे सिर्फ एक ही चीज पे फोकस कर सकते हैं। हाँ एक टाइम पे आप काम दो तीन कर सकते हो लेकिन फोकस आपका एक ही जगह रहता है, वो आप मानो ना मानो लेकिन ये चीज सच है। तो आपको जब भी आप खाना खाते हो सबसे पहले तो आपका फोकस सारा खाने पे होना चाहिए और आपको स्मॉल स्मॉल बाइट लेनी है जिससे कि आप उसको अच्छे से चबाओ देन वो अंदर जाए। और आपको बीच में अगर आप पानी पीना चाहते हो तो स्मॉल स्मॉल सिप आप पानी पी सकते हो, मतलब खाने के तुरंत बजे से खाना खा लिया और उसके बाद तुरंत भरपेट पानी पी लिया ऐसा नहीं करना है। इससे क्या होगा, इससे भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे फर्क पड़ता है। बिकॉज जब आप खाना खाते हो तो उस टाइम पे आपका स्टमक गर्म होता है, उसको पचाने की तैयारी कर रहा होता है, उससे उसके बाद आप पानी पी के क्या करते हो उसकी वो आग बुझा देते हो जिससे कि वो आपके पेट में सड़ने लगता है और इससे भी आपको गैस ब्लोटिंग और बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है। तो गलती नंबर टू ये आती है कि हम कोई सा भी फूड ऐसे ही खा लेते हैं, जंक फूड हो गया, ऑयली फूड हो गया, ऐसे फूड जिसे कि हमारे स्टमक को पचाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो हमें वो फूड भी अवॉइड करनी चाहिए, ऐसे फूड्स भी हमें कंजप्शन नहीं करने चाहिए। तो गाइस गलती नंबर तीन की हम बात करते हैं, किसी भी फूड की आपको अति नहीं करनी है। अति इन द सेंस कि आपको कोई भी फूड हो गया, टेस्टी फूड हो गया, आपको इतना नहीं खा लेना कि आपका पेट पूरा भर जाए, आप बिल्कुल लेजी फील करने लग जाओ और आपके पेट में किसी और चीज को खाने की जगह ही ना बचे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपने अपना पेट उतना ज्यादा नहीं, सिर्फ इतना खाइए जिससे आपकी भूख शांत हो जाए, उसके बाद आपको मैक्सिमम पानी पीना है। और इन गर्मियों में तो आपको खास ख्याल रखना है कि ज्यादा फूड नहीं खाना है, इससे आप लेजीनेस फील करोगे, इससे कि आप अपना काम जो है प्रॉपर नहीं कर पाओगे। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको मतलब ये बताया था कि हमें समर्स में कैसा खाना खाना चाहिए और कैसा नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल समर्स में हमें ज्यादा हाइड्रेट रहने की जरूरत होती है, ज्यादा फूड कंजप्शन करने की नीड नहीं पड़ती। कि चौथी गलती ये है कि आपको ज्यादा खट्टा नहीं खाना, ज्यादा खाने से हमारे पेट में एसिडिक की जो लेवल होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है ना हमें ब्लोटिंग की दिक्कत हो जाती है, एसिडिटी की दिक्कत हो जाती है, हमें खट्टी ढकारे आती हैं, फेस पे पिंपल और पूरी बॉडी का जो फंक्शन है ना वो हिल सा जाता है। तो इसीलिए खट्टी चीजें आप जितनी ज्यादा अवॉइड करेंगे बहुत ज्यादा अच्छा है। सो गाइस अब नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है सॉल्यूशन। एक्चुअली क्या होता है ना कि गलतियां तो हम बहुत सारी कर लेते हैं लेकिन सॉल्यूशन मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कि गलतियां तो चलो भले बहुत सारी कर ली लेकिन सॉल्यूशन क्या है जिससे कि हम इन सारी गलतियों को सॉल्व करके दोबारा से अपनी बॉडी को उसी फॉर्म में लेकर आए जो कि वो चाहती है। कि आप रेडी है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए तो ध्यान से सुनिए। रूल नंबर वन आपको ये फॉलो करना है अपने साथ कि कभी भी खाना खाते टाइम अपनी स्क्रीन टाइम को अवॉइड करना है, कोई भी टीवी नहीं, कोई भी फोन नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं, कोई काम नहीं करना है, सिर्फ जब खाना खाते हो तो खाने पे फोकस करना है। नेक्स्ट रूल आता है आपको स्पाइसी फूड से अवॉइड दूरी बना के रखनी है। कोई भी आपको स्पाइसी फूड ऑफर करता है तो आपको गर्दन राइट और लेफ्ट में हिलानी है और ना बोलना है। ये एक्सरसाइज आपके लिए मैंडेटरी है, मतलब अगर आप चाहते हो कि आपको भी अपनी बॉडी का थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा तभी आपकी बॉडी आपके लिए ये सब करके आपको देगी। तो आपको स्पाइसी फूड अवॉइड करना है, ज्यादा मसाले वाला फूड नहीं खाना और ऑयली फूड का अगर आप घर में भी खाना बनाते हो तो आपको ध्यान रखना है, ऑयल अच्छा होना चाहिए और ज्यादा नहीं होना। तो गाइस रूल नंबर थर्ड ये आता है कि आपको अपना रूटीन सेट करना है, कब क्या खाना है कब क्या नहीं खाना है, ये बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है। प्लस सॉल्यूशन नंबर फोर ये आता है कि आपको अपने पानी का खास ख्याल रखना है, हाइड्रेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपकी बॉडी के लिए।
वो इसलिए जरूरी है, जब भी आप अपने घर की क्लीनिंग करते हो विदाउट पानी करते हो? नहीं, विदाउट पानी घर की क्लीनिंग हो ही नहीं सकती। तो हमारी बॉडी की क्लीनिंग विदाउट पानी कैसे हो सकती है? तो इसका आपको खास ख्याल रखना है, पानी टाइम टू टाइम पीना है, और जितना ज्यादा पानी पियोगे अपनी बॉडी के हिसाब से, ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि बोल दिया तो आपने 10-12 लीटर पी लिया, वो भी आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, इवन किडनी के लिए ठीक नहीं है। तो इतना पानी पीना है जिससे कि आपको मतलब जो यूरिन है वो ज्यादा पीला ना आए। इसमें भी मैंने वीडियो बनाई है कि आपको कितना पानी पीना चाहिए और कितना पानी नहीं पीना चाहिए अपने यूरिन के अकॉर्डिंग, जिससे कि यूरिन के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो बॉडी है वो हाइड्रेट है या नहीं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, प्लस आई बटन पर भी शो कर दूंगी, वहां पर भी जाके आप देख सकते हो। खाना खाने के तुरंत बाद आपको सोना नहीं है और खाना आपको 5 बजे तक फिनिश कर लेना है, मतलब सनसेट होने के पहले आपको खाना खा लेना चाहिए। हमारे पुराने रिचुअल्स हैं और हम अभी तक इन्हें फॉलो करते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा होता है। बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि सनसेट के बाद जो भी खाना खाता है वो उतना मतलब अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है जितना कि सनसेट से हम पहले खा लेते हैं। इस आपको पैकेट वाले फूड अवॉइड करने हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं कंज्यूम करना है, बिकॉज वो कितने दिन पहले के हैं ये आपको भी नहीं पता। अगर आप अपनी डाइट में फ्रूट्स शामिल करते हैं तो इससे ये होगा आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो इम्प्रूव होगा, और मतलब मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो अनाज हम खाते हैं उसमें पानी नहीं होता जितना ज्यादा पानी फ्रूट्स में पाया जाता है। तो इससे क्या होगा, आपको हाइड्रेट रहने में भी आसानी होगी, प्लस ये आपके शरीर के लिए और आपके स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। सो गाइज, मैं नेक्स्ट सॉल्यूशन की बात करूं तो आपको नेक्स्ट सॉल्यूशन फॉलो करना है अच्छे तरीके से, वो है आपको स्ट्रेस से दूर रहना है। जो स्ट्रेस होता है ना, उससे क्या होता है, हमारे बॉडी में एक अलग सा केमिकल रिलीज होता है जो कि आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर बॉडी के लिए अच्छा नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छा नहीं है। तो स्ट्रेस से जितना दूर हो सके उतना दूर रहिए, और हैप्पी रहिए, खुश रहिए, खुश मिजाज रहिए। इससे क्या होगा कि जो आपकी बॉडी होगी वो अच्छे से फंक्शन करती है। गाइस, एट द एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी? आई होप आपने इसको शुरू से लेकर एंड तक एंजॉय करा होगा, और जो भी मैंने आपको रिलेटेड डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया है उसको अच्छे से समझकर, जो भी मैंने गलतियां बताई है आप उसको इन फ्यूचर नहीं करोगे, और जो भी मैंने उसे सोल्यूशन बताया है वो आप जरूर करोगे। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक थम्स अप देके लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, अगर इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब करके इस चैनल को सपोर्ट कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।